सुहावदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद भी मीडिया के सामने क्यों इनकार कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई है। पहले यह बाइट आप सुन रहे हैं जो पत्रकारों से उन्होंने कहा है। पत्रकारों ने जितना घुमाया उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस बात को कि उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुई। हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य के, क्योंकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही, भदोही से फिर बनारस, बनारस से मालीपुर, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर से फैजाबाद, फैजाबाद से फिर हमको बलिया आना था। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने की नीयत से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। नहीं देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात। साथियों, आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई है। सत्यता यह है कि कल योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में मौजूद थे और विभिन्न कार्यक्रमों में, जिसमें सोनभद्र भी शामिल है, वहां गए हुए थे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर बनारस आ गए और सर्किट हाउस में उन्होंने डेरा डाल दिया। घंटों इंतजार किया। रात में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे सर्किट हाउस, तो सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि रात में, देर रात में माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हुई और यह मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली है। सुबह जब इस बात की खबर मीडिया कर्मियों को लगी तो मीडिया कर्मियों ने ओम प्रकाश राजभर को घेरा, तो ओम प्रकाश राजभर ने किसी भी रूप में यह स्वीकार नहीं किया कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है। यह आपने सुन लिया अपने कानों से। अब आगे आप इस पे विचार करें कि इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र अरुण राजभर की शादी एवं प्रीति भोज में उनके निवास स्थान पर जाके मिले हैं, घंटों रहे हैं और आशीर्वाद दिया है, और कुछ नेताओं ने तो ओम प्रकाश राजभर से अलग अलग बात भी बंद कमरे में किया है। ऐसा लग रहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अपना आशीर्वाद ओम प्रकाश के घर लेके पहुंच गई है। ओम प्रकाश राजभर इधर काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। बातचीत चल रही है, यह भी समय समय पे मीडिया में आता रहता है। इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात को इनकार क्यों कर रहे हैं? इस पे जब विचार करते हैं तो सबसे पहला कारण यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी देश की पार्टी है और वहां पे कई स्टेज हैं। कई स्टेज ओम प्रकाश राजभर पार कर चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनकी बातचीत हुई है तो राजनीतिक पंडित यह अंदाज लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार का लमसम एक डेट उनको दे दी गई है। आज ही यह खबर बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर का बुलावा भारतीय जनता पार्टी से आ गया है, शीघ्र ही बीजेपी हाईकमान से मिलने व दिल्ली जाने वाले हैं। समझा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर तो इनको दे दी गई है, लेकिन जो 2024 के चुनाव में सीटों के बंटवारे की बात है वह दिल्ली में ही तय होगी, और दिल्ली में तय होने के बाद फिर ओम प्रकाश राजभर इस बात को खोलना चाहते हैं। खबर यहाँ तक है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की 4 पार्लियामेंट की सीटों पे अपना निशाना लगाए हुए हैं। पहली घोसी है, दूसरी चंदौली है,
तीसरी गाजीपुर है, एक पार्लियामेंट और है, तो चार पार्लियामेंट में उनका निशाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो पार्लियामेंट उनको देना चाह रही है, ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। अब ओम प्रकाश राजभर यह चाहते हैं कि जब सब बातें तय हो जाए, मंत्रिमंडल विस्तार की डेट पक्की हो जाए, सीटें पक्की हो जाए कि कौन सी सीट हमें देंगे, स्वर्गदेव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी देगी, तब ही अपनी इस बात को सार्वजनिक करें। ओम प्रकाश राजभर यह भी चाहते हैं कि अगर बात नहीं बनती है तो कहीं और बात बनाने के लिए जगह बची रह जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से श्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात छिपाया जा रहा है, खासकर ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से छिपाया जा रहा है। जो भी हो, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, समय पे सब खुल ही जाएगा। बस साथियों इंतजार करिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।